नमस्कार प्रमोद जी, आप कैसे हैं? मेरे गोवावासी कैसे हैं प्रमोद जी? नमस्कार मोदी जी, माझे सगळे गोयकार व्यवस्थित असा। गेल्या वर्षा हवेन त्यांना सांगलेले भिवपाची गरज ना म्हणून, पण ते भिवन वचो ना, फक्त मधी मधी मका ते मात्र भिष्टायता रिलॅक्शन लागे पावला म्हणून। अच्छा, एक बात बताइए, गोवा में सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? दो समस्या है, एक बगो दूसरा पोगो। क्या कहा? मैंने ठीक से सुना नहीं, जरा वापस दोहराएंगे क्या? दादा तू कौन बटले थे? मोदी जी आपच्या गोयात सगळ्यात वडली समस्या म्हणता ते पेट्रोल। पेट्रोलाचा प्राइस वाढत असत म्हणून सामान्य गोयकाराच्या कडसून मका आणि तुका दोघायकूय गाळ्यो गाळ्यो गेल्यो वयता। प्रमोद जी, आप मेरे गोवा वासियों को बताइए, उनसे कहिए, एक लीटर पेट्रोल के दाम में 2 लीटर दूध आता है, इसलिए दूध पिए और साइकिल चलाएं, अच्छी सेहत बनाएं, क्योंकि ऐसा नहीं सिर्फ मेरा देश ही आगे बढ़ रहा है, मेरे बहुत सारे गोवावासी ऐसे भी हैं जिनका पेट भी आगे बढ़ रहा है। जी मोदी जी, आज सच्चे प्रश्नाचे बद्दल बदल्यार संपूर्ण गोयच्या जनतेक हे कळले गेले वयतले। जे म्हणून सामान्य गोयकार असो तो पेट्रोल कितल्या वाढल्यार सुद्धा 100 पेट्रोल घालता न्हू रे। हा, ते बाईक चालू रोला बरोबर तो। प्रमोद जी, मैंने सुना है कि गोवा में बिजली बहुत परेशान करती है, घंटों तक जाती है और वापस नहीं आती है, ये सही है क्या? मोदी जी कदाचित तुमका खबर नसतले, पण आपच्या सरकारात लाईटीचो कायत प्रॉब्लेम ना। पहिलीचे जे सरकार पळे आशिले नी मोदी जी, त्यांच्या काळात लाईट जितक्या फाटी येताली तितक्या फाटी ती परतून परतून वयताली, पण आपच्या सरकारात लाईट जितक्या फाटी वयता तितक्या फाटी ती परतून येता, टाइम लागोदी म्हणजे। वाह प्रमोद जी वाह, क्या बात है। और बताइए, गोवा में कोरोना का क्या हाल है? आशा करता हूं सब ठीक है। जी मोदी जी, और गोवा में कर्फ्यू अभी भी चालू है, ये ऑटोमेटिक कर्फ्यू है, जिसके अंतर्गत वो कर्फ्यू सगळे किते या कर्फ्यू भीतर उठते असता उठते कोरोना दृष्टि पडना, आणि तर आयतरात रातचो वो कर्फ्यू ऑटोमेटिक एक्सटेंड केलो गेलो वयता, हे तुमका मोदी जी कळले गेले वयता। वाह प्रमोद जी वाह 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 वाह। वैसे प्रमोद जी, एक बात और है। प्रमोद जी, मेरे गोवावासी कहते हैं कि पणजी से मडगांव इन्हें दूर लगता है, और इसलिए हमारी सरकार ने नाम बदलो योजना के तहत तालीगांव का नाम मडगांव रखने का फैसला लिया है। इससे 5 मिनट में पणजी से मडगांव पहुंचेंगे और गाड़ी में पेट्रोल भी कम लगेगा। आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या? इसके बारे में मैंने एक बार दिगंबर कामत जी से बात की थी, लेकिन वो कहने लगे तू एक घान गुरु उड़े लिया, घान गुरु उड़े लिया। इसके बाद अवैधन का कायद सगोक ना। तो ये रहने दीजिए, और बताइए। ये तो पुर्जे तोड़े कड़े गाड़े मरता तो सगोया रे बेटा। हाँ सगोया बोवा बर पदा बर दो। क्या कहा है दातोया का बड्डा लो? हाँ हाँ, थोड़ा नाचते हैं ना। थैंक यू, चौथी की आमगेर। जी प्रमोद जी, मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।